सुबह मुझे लगता था कि हम और भी करीब आ जाएंगे, लेकिन निकाह के बाद से तो आप और भी दूर हो गई हैं। ऐसे लगता है अवॉइड कर रही हैं मुझे। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पहले से काफी खामोश रहने लगी हैं? वहम है आपका, शायद आप ज्यादा सोच रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका रवैया सब बता रहा है मुझे। मेरा रवैया तो और भी बहुत कुछ बता रहा है, जैसे कि जैसे कि मैं आपको याद कर रही हूँ। मिस तो मैं भी आपको बहुत कर रहा हूं। बस ठीक है, कल मैं आपको लेने आ रहा हूं, तैयारी करने। नहीं, अभी नहीं, अच्छा क्यों भला, क्या नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगता? ये घर आपका था और अब ये पहले से भी ज्यादा आपका हो गया है। वो तो है, लेकिन यूं शादी से पहले हम दोनों का एक घर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। निकाह का मतलब जानती है ना? अगर अभी भी मैं आपको अपने साथ ले जाऊं ना, अच्छा, तो आपको लगता है कि आप यूं ही आकर मुझे ले जाएंगे? शादी हो चुकी है हमारी। आप बीवी हैं मेरी और आप पर हक है मेरा, मुझ पर आपका। हाँ, और बहुत अच्छा लगेगा ना। लोग क्या कहेंगे कि कितने बेशर्म है, थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हुआ। लोगों की ऐसी की तैसी, वो होते कौन है दो मियां बीवी को कुछ कहने वाले? एहसास आपको जरा एहसास नहीं है आमिर। है लेकिन सिर्फ अपने करीबी लोगों का, और मेरे करीबी लोग आपको उतना ही चाहते हैं जितना कि मैं। बस आप तैयारी कर लें, कल मैं लेने आ रहा हूं। आमिर, मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा यूं दाया भूत आईमी के सामने। क्या मतलब, उनके सामने क्या? मैं इस तरह नहीं रह सकती, अजीब लगता है। क्या मतलब, क्या अजीब लगता है? अजीब लगता है आपका यूं सबके सामने मुझे घूर घूर कर देखते रहना। तो बीवी हैं आप मेरी, अब मैं आपको क्या देखना भी छोड़ दूं? देखा, इसीलिए, क्योंकि आप तो बाज आएंगे नहीं, मुझे देखते रहेंगे, और मैं कहाँ जाऊंगी। अच्छा तो नहीं लगेगा ना आपका यूं हर वक्त देखना और मेरा शर्माना। एक तो मुझे मशरकी लड़कियों की समझ नहीं आती, जब प्यार से देखो तो शर्मा जाती है, और जब कोई बात ना करो तो कहती है कि उन्हें इंपॉर्टेंस दो, तब भी उन्हीं की सुनो। मुझे तो नहीं समझ में आती। खैर, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा, खफा तो ना हो मुझसे। नहीं, मैं आपसे खफा बिल्कुल नहीं हो रहा। इनफैक्ट मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं आप मुझसे खफा तो नहीं हो गई। मैं आपसे कभी खफा नहीं हो सकती, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। तो फिर इस मजबूरी का कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि वो आपको पता चल जाएगा बहुत जल्द। उफ, इतनी देर हो रही है, वक्त देखा है आपने? वाकई आपसे बात करते टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन अब काफी देर हो गई है, सो जाते हैं। अब नींद किसे आएगी, सारी रात तो आपको सोचते हुए ही गुजर जाएगी। तो बस फिर जाएं और सो जाएं, मैं भी सोने लगी हूँ। अच्छा, मेरी बात तो सुने। अगर रात को किसी वक्त आपसे बात करने का दिल चाहे तो कॉल कर सकता हूँ ना, फोन ऑन रखिएगा। आमिर, फोन रखें। गुड नाइट, आई लव यू। ओके, बाय। अल्लाह हाफिज़।